विधानसभा चुनाव की मतगणना कल यानी 10 मार्च को होनी है। आपको बता दें, सभी प्रत्याशी और पार्टी के परिणाम का फैसला कल होना है। उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा मतगणना से ठीक एक दिन पहले बरसाना के राधा रानी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने राधा रानी का आशीर्वाद लिया। और आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे प्रदेश में लहरा रहा है। 2017 में जब हमने शपथ ली थी, तब से लेकर अब तक हमने काम किया है और जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। इस बार भी हम 300 के पार होंगे। यही नहीं, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने विश्व प्रसिद्ध बरसाना की लठमार होली और लड्डू होली को देखने के लिए जनता को बरसाना आने का न्योता दिया। वहीं ईवीएम को लेकर कहा कि जो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं, कल ईवीएम खुलेगी तो सबको जवाब मिल जाएगा। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा बरसाना पहुंचे, जहां उन्होंने होली की मस्ती में चूर ब्रजवासियों के साथ रसिया गायन का आनंद लिया। ब्रजवासियों के टोल के बीच बैठकर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा चुनावी थकान मिटाकर ब्रज की होली में सराबोर नजर आए।